नमस्ते, हमारा आज का DIY है चॉकलेट फ्लावर बुके। इसके लिए हमें ये सारा सामान लगेगा। 3 क्रेप पेपर्स लगेंगे और इसका मेजरमेंट है 7x7 इंच। इसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे हम पूरा फोल्ड करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ्लावर बनाने का तरीका अच्छा लगे। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऑर्डर्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये फ्लावर आप गिफ्टिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। इसमें कलर कॉम्बिनेशन, साइज, डेकोरेशन सब कुछ आपकी चॉइस का हो सकता है। ये फोल्ड होने के बाद हम वापस से इसे हाफ फोल्ड करेंगे और पेंसिल की हेल्प से ऊपर की तरफ शेप देंगे। ये शेप से हमारा फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसे हम कट कर देंगे। बहुत ही इजी आइडिया है ये फ्लावर बनाने की। बीच में हम वायर अटैच करेंगे। वायर मतलब तार। इसका मेजरमेंट मैंने 10 इंच लिया है। इसे मैं वाइंड करूंगी और वाइंड करने के बाद नीचे बचा हुआ वायर मैं ट्विस्ट करूंगी। ये ट्विस्ट करने के बाद इसके जो पेटल्स हैं, जो लेयर्स, 3 लेयर्स लिए थे हमने पेपर के, तो एक एक लेयर को 1x1 मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करूंगी। बहुत केयरफुली ये करना है। ऐसे दोनों तरफ करने के बाद हमारा फ्लावर आप देखोगे तैयार हो जाएगा। ये फ्लावर तैयार होने पर हम अच्छे से ये पूरा फ्लावर ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। हम इसे बीच में 2-way टेप लगाएंगे। 2-way टेप कैसी होती है? एक तरफ ग्लू होता है और एक तरफ पेपर होता है। तो ग्लू वाला साइड हम फ्लावर को चिपका देंगे और दूसरी साइड जो पेपर है उसे हम पील करेंगे, निकाल देंगे वो पेपर, और उस पर हम चॉकलेट को अच्छे से स्टिक कर देंगे। ऐसे करने से मेरा एक फ्लावर रेडी हो गया है। आपने देखा मैंने उल्टा किया, फिर भी मेरी चॉकलेट नहीं गिरी। बहुत सारे फ्लावर्स मैंने तैयार कर दिए हैं। आप आपके चॉइस के फ्लावर्स रेडी कर दोगे। सारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। इन्हें मैं एक साथ रख के वायर की हेल्प से जोड़ दूंगी और इसे मैं कलरफुल सेलो टेप से या ग्रीन टेप से मैं कवर कर सकती हूँ। और ये मेरा चॉकलेट फ्लावर बुके रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।